हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की सूबेदार कॉलोनी में 24 लाख की लागत से बनने वाली सड़क कार्य का शुभारंभ किया है। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि साल 2024 के चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर देगी और फिर से सीएम मनोहर लाल के नाम पर ही मोहर लगाई जाएगी, क्योंकि गठबंधन सरकार के विकास कार्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं और पारदर्शिता के साथ काम भी हो रहा है। सूबेदार रोड का उसका उद्घाटन किया है, जो सीवर लाइन और सड़क की सबसे बड़ी हालत थी और सबसे ज़्यादा हजारों आदमी इस रोड से निकल रहे हैं और आने वाले समय जल्दी जल्दी वार्ड नंबर 43 वार्ड नंबर 44 के लोगों को लाभ मिलेगा। ये यहाँ की लाइफ लाइन है, यह सीवर ग्राही है, सड़क बना रहे हैं, इधर पानी का जितने पानी देंगे, जिसका देखा जा रहा है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी का जो स्तर है बल्लभगढ़ का उसका स्तर गिरते गर्म स्तर बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा जी, हम आने वाले समय में 15 मंडी पानी देंगे।